भारत में ठंड का प्रकोप जारी है और दिन पर दिन ठंडी बढ़ती जा रही है। ठंड की वजह से सबसे ज्यादा समस्या गरीब तबके के लोगों को होती है और ठंड से बचने के लिए रैन बसेरा सबसे ज्यादा कारगर साबित होते हैं। ऐसे में बेसहारा मजदूरों के लिए प्रयागराज के एक स्थायी रैन बसेरा की तस्वीर आपको आश्चर्यचकित कर देगी। बताया जा रहा है कि इस रैन बसेरे में आपको होटल और घर जैसी सुविधाएं देखने को मिलेगी। आधुनिक सुविधा से लैस इस रैन बसेरे को जो भी देखता है वो हैरान रह जाता है। वहीं कोविड संक्रमण से बचने के लिए जो भी इन रैन बसेरों में आता है उसकी सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग होती है और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक होता है, उसके बाद ही उसको रैन बसेरे में रहने दिया जाता है। हालांकि अधिकतर रैन बसेरों में आपको सुविधाएं और गंदगी का अंबार देखने को मिलता है, लेकिन प्रयागराज के इस रैन बसेरे में एक मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ प्राइवेट ड्राइवरी करते हैं, रात में यहाँ आके आराम आराम कर लेते हैं। नहाने धोने की अच्छी सुविधा है। माननीय मोदी जी का धन्यवाद और माननीय योगी जी साहब का धन्यवाद, हमारे मुख्यमंत्री साहब का, यहाँ के जो हैं मैनेजमेंट देखते हैं उनका भी बहुत हम धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा सबसे व्यवहार करते हैं, साफ सफाई बहुत यहाँ अच्छी है। और हम और भी कहीं जाते हैं जैसे लखनऊ वगैरह गए तो ऐसी सुविधा ऐसी साफ सफाई हम नहीं देखे हैं। यहाँ बहुत अच्छा हमको लग रहा है, जब भी आते हैं तो यहाँ रुक जाते हैं। टीवी है, गीजर है, हाँ सर, हम नहाने के आरओ का पानी पीने के लिए है, टीवी देखने के लिए मिलती है और गीजर है नहाने के लिए। सर बहुत सर साफ सफाई है सर, कम्बल उम्बल देखिए सर ठंडी में ओढ़ने के लिए, हाँ सर यहाँ बहुत अच्छा सर लग रहा है। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर शिव बाबू है। यहाँ भैया सुविधाएँ बहुत अच्छी है, बिछाने के लिए होने लिए कम्बल नंबर एक का है और किचन भी है और हम आए हैं कौशाम्बी से। सब मेरे साथी गए काम करने, आज मेरा काम नहीं लगा, मैं इसलिए आज यहाँ आराम कर रहा हूँ। टीवी भी बढ़िया चल रही है, यहाँ काफ़ी सफाई काफ़ी सुविधाएँ हैं और यहाँ कोई चीज़ चिंताएँ नहीं है, चाय जैसे आ रही है, खुश है। हाँ यहाँ रह के खुश हैं। क्या नाम है? रमेश। हम 4 साल से संचालित कर रहे हैं, इसमें हम सब देखभाल करते हैं कि जैसे बेडशीट हो, लोगों को दिक्कत ना हो, कोरोना गाइडलाइन हो गई, किसी को चोट लगे तो फर्स्ट एड बॉक्स है, फायर स्ट्रीमिंग सब कुछ देखते हैं। प्लस किचन भी है, अगर किसी को बना के खाना हो अपना बना खा सकता है। सर्दी में नहाने के लिए गर्म पानी है, पीने के लिए आरओ का पानी है, गर्मी में किसी को पानी पीना होता है तो ठंडा पानी भी मिलता है। हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर। टीवी है लोगों के मनोरंजन के लिए और बाहर लोगों का जो बाहर बैठना होता है तो शाम को हमेशा गर्मी में अलाव जलता है बाहर। हर चीज़ की सुविधा है हमारे यहाँ पर। कितने लोग यहाँ तारीफ करते हैं कि दिन के वक्त थोड़ा खाली रहता है लेकिन शाम जी शाम को सब जैसे मजदूर हो गए या कोई ऐसे लोग हो गए जो ऑफ ओवर नहीं होते होटल, वो सब लोग यहाँ रहते हैं शाम को। डेली जैसे शाम को खाली जाता है हमारा, फुल हो जाता है। कितने बेड का है? 40 बेड का है, जिसमें 10 लेडीज के लिए है, बाकी 30 जो है जेंट्स के लिए है। क्या नाम है आपका? हर्षित गुप्ता। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है, ऐसे में रैन बसेरों की क्या हालत है, इसका रियलिटी टेस्ट करने के लिए हम प्रयागराज के एक ऐसे रैन बसेरे में पहुंचे जहां पर स्मार्ट सुविधाएं जो है वो दी जा रही हैं। हम मौजूद हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल एक स्थायी रैन बसेरा, आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर जो स्मार्ट टीवी है वो चल रहा है और जो लोग हैं वो भी यहाँ पर, हालांकि दिन का वक्त है वो यहाँ पर कुछ लोग कम है क्योंकि कई लोग काम पे भी गए हैं और यहाँ पर वो बैठे हुए हैं। अगर हम आपको इधर की तस्वीर दिखाएं तो आप इधर भी देख सकते हैं कि कुछ लोग आकर के यहाँ पर सफर के बाद आराम भी कर रहे हैं। अगर हम आगे तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि एक शख्स और बैठे हुए हैं और आपको खास ये दिख रहा होगा कि साफ सफाई का यहाँ पर चार चौबन जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर हम आपको इधर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक घर जैसा जो किचन है वो आपको दिख रहा होगा कि जो किचन है ये यहाँ पर है, बर्तन यहाँ रखे हुए हैं, साथ ही साथ आपको नीचे राशन दिख रहा होगा, आपको पानी के लिए भी बॉक्स दिख रहा होगा कि यहाँ पर कंटेनर रखा हुआ है। अगर हम इधर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि साफ सुथरा पानी मिले इसके लिए यहाँ पर आरओ भी लगाया गया है। इसकी अगर हम बगल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वॉशरूम है और गीजर भी बाहर लगाया गया है, यानी कि जो भी वॉशरूम है सब जगह पर गर्म पानी आता है। इधर की बात करें तो आप देख सकते हैं एक शख्स बैठे हुए हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं कि आखिर कौन शख्स आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, बकायदा रजिस्टर मेंटेन है, दिन के हिसाब से कितने लोग आ रहे हैं। आपको अंगूठे के निशान भी नजर आ रहे होंगे कि जो लोग साइन नहीं कर सकते हैं वो अंगूठे का निशान यहाँ पर दे करके जाएंगे। फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है, कोरोना गाइडलाइंस
का पालन हो। सारी चीजें यहाँ पर है, मास्क है, सैनिटाइजर है, ऑक्सीमीटर है। सामने आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो बोर्ड है वो भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये भी लगाया गया है। अगर हम इधर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कई बेड यहाँ पर यात्रियों के लिए या फिर जो भी यहाँ शख्स आकर के रहना चाहे वो निःशुल्क यहाँ पर रह सकता है। साफ सफाई का बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्मार्ट सिटी में जो एक स्मार्ट रैन बसेरा होना चाहिए, चूंकि हम लोग के जहन में हमेशा ये आता है कि रैन बसेरा है तो अव्यवस्थाओं की जो तस्वीर है वो सामने आती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीर देखी जा रही है उसे यही कहा जा सकता है कि एक स्मार्ट रैन बसेरा भी प्रयागराज में मौजूद है। मेरे जनरल संत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर लाइफ टुडे प्रयागराज।